नमस्कार दोस्तों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केबी राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 9 सितंबर दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, साईनाथ महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय साईनाथ महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा साईनाथ महाराज उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार। आज की तिथि है तृतीया। आज का नक्षत्र है हस्त नामक नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:42 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:09 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:30 से दोपहर 12:20 तक। दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है सुबह 9:50 से सुबह 10:40 तक। दोस्तों आज कुंभ राशि वालों का लकी नंबर 6 है और लकी कलर है हरा अथवा सफेद। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं इन 3 गुणों वाले व्यक्ति को हर जगह मिलता है मान सम्मान। जी हाँ दोस्तों, आचार चाणक्य नीतियाँ व्यक्ति को सही मार्ग पर चलकर सफल होने के लिए प्रेरित करती है। इतने वर्षों के बाद भी चाणक्य नीतियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा गुणों को अपनाना चाहिए और अवगुणों का त्याग करना चाहिए। एक नीति में चाणक्य ने बताया है कि किन गुणों वाले व्यक्ति को हर जगह मिलता है मान सम्मान। नंबर 1, सत्य के मार्ग पर चलने वाला। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन व्यक्ति को सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलने वाले व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को क्षणिक सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को सफलता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। नंबर 2, मधुर वाणी। चाणक्य जी कहते हैं कि मधुर वाणी वाले व्यक्ति को हर किसी से मान सम्मान प्राप्त होता है। मधुर वाणी कठोर से कठोर व्यक्ति को प्रभावित करती है। हर व्यक्ति को इस आदत को अपनाना चाहिए। मधुर बोलने वाले व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। नंबर 3, मेहनती व्यक्ति। परिश्रम सफलता की कुंजी है। चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी काम को करने में आलस नहीं करना चाहिए। जिन लोगों में मेहनत का गुण होता है उन्हें सफलता के साथ मान सम्मान भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था आज का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसे रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अपने ऊर्जा स्तर को फिर से बढ़ाने के लिए पूरा आराम करें क्योंकि थका हुआ शरीर दिमाग को भी थका देता है। आपको अपनी असली क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है क्योंकि आप में क्षमता की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी और अब उसे बेचना चाहते हैं उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ हो सकता है। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े। आज आपको निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर ना जा पाए। आपका दिमाग कामकाज की उलझनों में फंसा रहेगा जिसके चलते आप परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। अनजान लोगों से बात करना ठीक है लेकिन उनकी विश्वसनीयता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर आप अपना वक्त जाया करेंगे और कुछ नहीं। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं आज ग्रह स्थिति कुछ मिला जुला परिणाम दे रही है। भावुकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा प्रैक्टिकल होकर निर्णय लें जिसका उत्तम रिजल्ट आपको मिलेगा। शेयर मार्केट और रिस्क संबंधी कार्यों में लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे लेकिन अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें बल्कि अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें।
किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलतफहमी उत्पन्न करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं, साथ ही पड़ोसी या दोस्तों के साथ संबंध भी खराब होने की संभावना है। इसलिए अपने गुस्से पर भी नियंत्रण बनाकर रखें। व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। मार्केटिंग संबंधी कामों में ज्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि लोगों से संपर्क आपके लिए बिजनेस संबंधी उपलब्धियां देगा। नौकरी पर लोगों को भी उचित कार्य करने से उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी। अपनी नौकरी पर अधिक ध्यान दें और इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। आपकी ईमानदारी और मेहनत आपकी पहचान है, जो आपको अन्य लोगों से अलग बनाती है। आत्म मूल्यों का मूल्यांकन करके आप अपने काम करने के तरीके को निखार सकते हैं। आज अपने परिवार के साथ समय बिताना ना भूलें। एकाग्रता की कमी के कारण आपके काम या शौक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज आप जीवन को लेकर उदासीन हो सकते हैं और अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इसलिए अतीत को भुलाकर आप नई मंजिल की ओर आगे बढ़ें। आत्मविश्वास वो चाबी है जिससे आप सफलता के ताले को खोल सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास को कभी कम ना होने दें। दोस्तों, इस समय आप अपने रंग रूप में बदलाव को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इसके साथ ही फोन कॉल्स और यात्राएं आपको अधिक व्यस्त रखेंगी। जीवन की हर खुशी का आप खुले हाथों से स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, अहंकार को त्याग कर हर फैसला लें, सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। आज का मंत्र यही है कि अतीत की बंधनों को तोड़कर नए दौर का खुले दिल से स्वागत करें। अपने काम में व्यस्त होने के कारण आप अपनी चाहत से दूर हो रहे हैं, इसलिए कुछ नया सोचें और उन्हें अपने करीब लाएं। मूड उदास है तो अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें और जीवन को खुले दिल से जिएं। साथ ही साथ आपको बताएं, अपने विचारों को बड़ा रखें तथा किसी बौद्धिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण में हिस्सा लें, इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती हैं। आज पेट में खराबी होने की काफी आशंका बनी हुई है। आपको पीने का पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पानी से उत्पन्न बीमारियों की आशंका बनी हुई है। आपको संक्रमण भी हो सकता है, इसलिए आज बाहर के अस्वस्थ खाने से भी परहेज रखें। आप जिससे अभी हाल फिलहाल मिले हैं उसके मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उस खास के मन में आपकी इमेज बिगाड़ने के लिए आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। हो सकता है कि सलाह देने वाला भी उसी के प्रति आकर्षित हो, इसलिए सावधान रहें और अपने ही अनुसार काम करें। हो सके तो उनसे बातचीत करने की पहल खुद कर लें। आपकी भावना अदम्य है, इसलिए आप अपनी क्षमता को दूसरों को आगे बढ़ने में समर्पित करें और चीजों को व्यवस्थित एवं संगठित करें। इससे आप अपनी कठोर मेहनत के बल पर मान्यता और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। अपने व्यय में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने खर्चे और निवेश को कम करें। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। दोस्तों, आज गुरुवार है, साईनाथ महाराज का दिन है। दोस्तों, अगर आप घर पर रहकर सच्चे मन से साईनाथ महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो साईनाथ महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। रोज के कुंभ राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। राधे कृष्णा।